सो आप देख रहे हो जी, दर्शन कर रहे हो छेहरटा साहब के खूह के, छेहरटा वाला खूह जिसके नाते छेहरटा साहब गुरद्वारा दा नाम पिया। सारे वीर भैन भरावों प्यार भरी सत श्रीकाल, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी फतेह। अज के ब्लॉग में थोड़ा सारिया का स्वागत है जी। आप दरबार साहब श्री अमृतसर साहब को दर्शन के लिए गुरुधामा करके हम गुरद्वारा छेहरटा साहब वाल चले हैं। बस की तुम इतों बस राही पहुंचे, इतने चल रहे आटो, आप इतों आटो लैके छेहरटा साहब जावे। बसा भी चल दिया ने, आटो भी जाते हैं छेहरटा साहब तक। 7 किलोमीटर की दूरी थी अमृतसर साहब तो। आओ जी आप गुरद्वारा सन साहब के छेहरटा साहब। सन साहब भी जाओगे जी? सन साहब भी जाऊंगा जी। चलो बैठो। लो जी आटो अपना चल पिया, गुरद्वारा साहब वाल वध रहे आप गुरद्वारा छेहरटा साहब। तुसी हुण दर्शन कर रहे हो सामने ड्योढ़ी साहब गुरद्वारा श्री छेहरटा साहब। सो छेहरटा साहब तो आप पहुँच गए जी। तकरीबन अमृतसर तो वैसे 10-15 मिनट का ही राह है। बसा जड़िया ने खड़ के आदि ने, आटो भी आते ने। ये सामने है जी अमृतसर तो जो आप आने मेन बाजार छेहरटा साहब। सो आओ आप दर्शन करते हैं, नाले गुरमत की सांझ पाने, इतों के इतिहास की सांझ पाने। लो जी गुरद्वारा छेहरटा साहब के दर्शन करो। पहला अमृतसर तो ही आके मुड़ जाते, कभी वक्त ना मिलता सी, पर अज गुरु साहब की कृपा नाल आप उन्होंने दर्शन लई सानू इत्थे बुलाया है। बड़ा मन च सी कि गुरुद्वारा छेहरटा साहब के जिथे गुरु साहब के इत्थे छेहरटा वाला खूह जो बहुत ही प्रसिद्ध है दुनिया भर में। आम आप एक या दो हलटा वाले खूह देखे होणगे ते सुने होणगे, देखे भी होणगे, कईयां ने तां देखे भी नहीं होने, पर इत्थे छेहरटा वाला खूह गुरु साहब जी का आप तैयार करवाया। सो आओ दर्शन करिए। गुरद्वारा श्री छेहरटा साहिब जी के खूह का इतिहास रचियो छेहरटा अत सुखदाई तिसकी महिमा अधिक बढ़ाई। शहीदां दे सरदार पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी ने चरणा विच इस इलाके दीआं संगतां वलों खेतीयोग पाणी की घाट करके सुक रहीआं फसलां दे हो रहे नुकसान का योग हल करन लई बेनती कीती गई। उन्हां दिनां विच श्री गुरु अर्जन देव जी दे घर माता गंगा जी दी कुखों लंबे अरसे बाद 2100 संत विक्रमी 1652 1595 ईस्वी में बालक हरगोबिंद साहब जी ने अवतार धारिया सी। बालक जी के जन्म खुशी विच फसलां दी पाणी दी घाट नूं दूर करन लई इस पवित्र खूह की खुदवाई करवाई गई। माघ सुदी पंचमी संबत 1654 ईस्वी में 1597 में पंचम पातशाह जी वलों एक ही खूह विच छे हटा छे महला भाव
ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਸ ਹੋਇਆ। तो आप देख रहे हो जी, दर्शन कर रहे हो छेहटा साहब के खूह के, छेहटा वाला खूह जिसके नाते छेहटा साहब गुरद्वारा का नाम पिया। ये खूह है जी, जिस दियां कि तीन इधरले पासे ते तीन दूजे पासे हल्टा हैं। छेहटा साहब गुरद्वारा पवित्र खूह है जी। दर्शन कर रहे हो पंचम पातशाह जी की हुक्म नाल लग्या है ये खूह, पवित्र खूह है जी। अज के ब्लॉग की आप समाप्ति इत्थे करते हैं जी। सो उम्मीद है तो गुरद्वारा छेहटा साहब संगतान दर्शन करके बहुत ही पसंद आया होगा। लाइक सबसक्राइब तो शेयर जरूर करो। सो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।